चलिए, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे क्या, बायोलॉजिकल क्लास पे, सॉरी टॉपिक पढ़ा रहे थे हम आप लोग को आईसीबीएन और आईसीजेडएन ना। अच्छा, अभी हम बाइनोमियल सिस्टम शुरू नहीं किए थे आप लोगों के बैच में, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर द्विनाम पद्धति शुरू नहीं किए थे। जरा दिखाइए तो कॉपी। अच्छा, इसका रूल नहीं पढ़ाए थे ना। अच्छा ठीक ठीक आईसीबीएन और आईसीजेडएन तक पढ़ाए थे कल पिछले क्लास में। अब एक हेडिंग डालेंगे, रूल्स ऑफ, हेडिंग डालिए रूल्स ऑफ बाइनोमियल सिस्टम, रूल्स ऑफ बाइनोमियल सिस्टम। इसका मतलब होता है द्विनाम पद्धति का नियम, द्विनाम पद्धति का नियम। अब ये द्विनाम पद्धति का नियम क्या क्या होगा, तो इसके बारे में हम लोग को एक बार समझना है। देखिए बाबू, नाम से लग रहा है द्विनाम पद्धति, बाइनोमियल सिस्टम। बाइनोमियल मतलब इसमें कितने नाम शामिल होंगे, तो इसमें जाहिर सी बात है सर, बाइनोमियल बोल रहे हैं, यानी कि द्विनाम मतलब कि इसमें दो नाम शामिल होगा। ठीक है, द्विनाम पद्धति इसको कहा जाएगा। हेडिंग डालेंगे, यानी द्विनाम पद्धति हेडिंग डाल लीजिए और एरो देकर लिखिए, इट वाज गिवन बाय इसको किसके द्वारा दिया गया था, यानी इसके फादर कौन थे बाइनोमियल सिस्टम के, तो बाइनोमियल सिस्टम के फादर कैरोलस लिनियस साहब थे। बताए थे ना हम पिछले क्लास में आप लोगों को, तो इट वाज लिख सकते हैं, इट वाज गिवन बाय कैरोलस लिनियस, यानी इसे कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया था। इसे किसके द्वारा दिया गया था जी, कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया था। यानी आप बोल सकते हैं कि इसके फादर जो हैं, इसके फादर कौन है, कैरोलस लिनियस हैं, यानी कि इसके फादर कैरोलस लिनियस हैं, मतलब लिनियस साहब ही इसके पिता हैं द्विनाम पद्धति के। कूलिंग नहीं कर रहा है एसी। हो गया, चलिए अब सुनिएगा, हो गया। अब यहां से नियम हम लोग एक एक करके लिखते चलेंगे। सबसे पहली बात, अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल सिस्टम, अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल सिस्टम यानी द्विनाम पद्धति के अनुसार, नेम ऑफ बायोलॉजिकल नेम ऑफ एनी स्पीसीज या बायोलॉजिकल नेम कंसिस्ट ऑफ, सीधे लिख लेंगे, बायोलॉजिकल नेम कंसिस्ट ऑफ, बायोलॉजिकल नेम कंसिस्ट ऑफ consist of two words, यानी कि इसका मतलब हो गया सबसे पहले द्विनाम पद्धति के अनुसार, ठीक है, द्विनाम पद्धति के अनुसार जैविक नाम दो शब्दों से बने होते हैं, जैविक नाम द्विनाम पद्धति के अनुसार जैविक नाम दो शब्दों से बने
होते हैं। याद रखेंगे बाबू, द्वि नाम पद्धति के अनुसार, द्वि नाम पद्धति के अनुसार जो भी बायोलॉजिकल नेम है, जितने भी जैविक नाम है यानी कि वैज्ञानिक नाम जितने भी हैं, उन सभी में कितने वर्ड शामिल होते हैं? तो दो वर्ड शामिल होते हैं यानी कि दो शब्द शामिल होते हैं। अब ये दो वर्ड कौन कौन से होते हैं? दो वर्ड बाबू कौन कौन से होते हैं? दो वर्ड शामिल होते हैं। सबसे पहला नंबर में पहला वर्ड जो होता है, पहला वर्ड कौन हो जाएगा? जीनस। पहला वर्ड जीनस, और दूसरा वर्ड क्या हो जाएगा? स्पीसीज। अच्छा एक मिनट, इसको नहीं लिखिए, सीधे एग्जांपल लिख लीजिए बाबू। पहले दो नाम शामिल होते हैं, दो शब्द शामिल होते हैं किसी भी जीवो वैज्ञानिक नामों में, यानी जैविक नामों में दो शब्द से बने होते हैं, चाहे दो शब्द शामिल होते हैं। बात समझ में आया? जैसे मान लीजिए कि आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मैंगिफेरा इंडिका। मैंगिफेरा इंडिका ये आम का वैज्ञानिक नाम होता है, मैंगो का वैज्ञानिक नाम है मैंगिफेरा इंडिका। उसी तरह जैसे मान लीजिए कि टाइगर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? सर टाइगर का वैज्ञानिक नाम होता है पैंथेरा टिग्रिस। पैंथेरा टिग्रिस ये किसका वैज्ञानिक नाम है? टाइगर का, यानी बाघ का वैज्ञानिक नाम है। उसी तरह जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग बात करें लायन का वैज्ञानिक नाम, तो पैंथेरा लियो ये किसका वैज्ञानिक नाम है? लायन का वैज्ञानिक नाम है। अच्छा उसी तरह अगर हम बात करें ये पैंथर का, चीता का, तो पैंथेरा पार्डस। और पैंथेरा पार्डस का मतलब क्या होता है? पैंथेरा पार्डस किसका वैज्ञानिक नाम है? सर पैंथर का, यानी कि चीता का वैज्ञानिक नाम है। हो जाएगा? तो उसी तरह मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो होमोसैपियंस। होमोसैपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? ह्यूमन का। ये सब वैज्ञानिक नामों में कितने वर्ड शामिल है जी? सर दो वर्ड शामिल है, पहला और दूसरा। तो वहीं हम आपको क्या बोले हैं कि द्वि नाम पद्धति के अनुसार जितने भी वैज्ञानिक नाम है, जितने भी जैविक नाम है, उन सभी नामों में कितने वर्ड शामिल होंगे, कितने शब्द शामिल होंगे? तो दो वर्ड शामिल होंगे सर। पहला वर्ड जैसे कि आप देख रहे हैं होमो सैपियंस। अब इसमें अब नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट क्या होगा इन बायोलॉजिकल, इन बायनोमियल सिस्टम यानी द्वि नाम पद्धति में? फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट्स जीनस एंड सेकेंड वर्ड रिप्रेजेंट स्पीसीज। यानी कि ये द्वि नाम पद्धति में पहला जो वर्ड आप देख रहे हैं, पहला शब्द जो देख रहे हैं ये वंश होता है, और जो दूसरा आप शब्द देख रहे हैं ये क्या होता है? स्पीसीज होता है, यानी कि प्रजाति होता है। तो पहला शब्द क्या हो जाएगा? जीनस यानी वंश, और दूसरा शब्द क्या हो जाएगा? स्पीसीज यानी कि प्रजाति हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा। बाकी ये सब तो पता होगा बाबू, मैंगो मतलब, हाँ नहीं मालूम होगा तो गुड इंग्लिश खरीद लेना है। टाइगर मतलब बाघ, लायन मतलब शेर तो जानते हैं, पैंथर मतलब चीता, लिखना होगा क्या? चीता। ह्यूमन मतलब बंदर, मनुष्य। ठीक है, चले हो जाएगा। शेर, ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। कह रहे हैं लाइनों का लिख दीजिए सर, चलिए हो जाएगा। अब हटा दें इसको, सब वैज्ञानिक नाम आप लोग याद कर लीजिएगा, इसको आराम आराम से लिखिए, छोड़िएगा नहीं। हो गया, चलिए अब इसका दूसरा नंबर, पहला नंबर रूल हो गया क्या कि सर द्वि नाम पद्धति के अनुसार जितने भी जीवों के नाम है, जैविक नाम है, जितने भी वैज्ञानिक नाम है, सब में दुगो शब्द शामिल होता है। ठीक है, अच्छा अब लिखेंगे
इन बाइनोमियल सिस्टम, इन बाइनोमियल सिस्टम यानी द्विनाम पद्धति में, इन बाइनोमियल सिस्टम फर्स्ट वर्ड यानी पहला शब्द जो है, फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट्स, रिप्रेजेंट्स यानी कि निरूपित करते हैं, रिप्रेजेंट्स किसको, पहला वर्ड क्या होता है, रिप्रेजेंट्स जीनस, एंड सेकंड वर्ड, एंड सेकंड वर्ड रिप्रेजेंट्स स्पीसीज, आए समझ में। यानी कि इसका मतलब हो गया कि द्विनाम पद्धति में, इसका मतलब क्या हो जाएगा, द्विनाम पद्धति में, द्विनाम पद्धति में, द्विनाम पद्धति में पहला शब्द, द्विनाम पद्धति में पहला शब्द वंश तथा, वंश तथा दूसरा शब्द, द्विनाम पद्धति में पहला शब्द वंश तथा दूसरा शब्द, तथा दूसरा शब्द प्रजाति को निरूपित करता है। बात समझ में आया, द्विनाम पद्धति में पहला शब्द किसको रिप्रेजेंट करता है, सर पहला शब्द वंश को रिप्रेजेंट करता है, वंश को निरूपित करता है, तथा दूसरा शब्द जो होता है, सेकंड लेटर जो होता है, ये प्रजाति को निरूपित करता है। बात समझ में आया, तो बाइनोमियल सिस्टम में पहला वर्ड क्या है जी, पहला वर्ड क्या है बाबू, वंश है। बोलिए, आवाजें नहीं आ रहा, खाना नहीं खाए हैं क्या आज आप लोग, ओहो नहीं खाए। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, होमो सेपियंस, यानी सर पहला वर्ड इसमें जो आप देख रहे हैं ये क्या बोले हैं, जीनस, जीनस मतलब वंश। हाँ अब लग रहा है खाना खाए हैं। होमो जो है ये वंश होता है, और सेपियंस जो होता है ये क्या है जी, सर ये स्पीसीज है, स्पीसीज बोले तो प्रजाति है सर, ये प्रजाति इसको कहेंगे। तो एक वंश हो गया और दूसरा क्या है, प्रजाति है। तो जितने भी वैज्ञानिक नाम है उसमें पहला वर्ड हमेशा याद रखिएगा क्या होता है, वंश, पहला वर्ड जीनस, और दूसरा वर्ड क्या होता है, प्रजाति होता है यानी स्पीसीज होता है। जैसे मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है, आम का, आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका, पहला वर्ड क्या है, जीनस यानी वंश, एक इंडिका है, इंडिका क्या है, स्पीसीज यानी प्रजाति। घर पे भी एगो वंश बोला जाता है, बच्चा जब नहीं पढ़ता है तो लोग उसको कॉमन भाषा में बोलता है जा, वह वंश बाड़ा नहीं कहता है, बहुवंश के अलावा भी बहुत कुछ कहता है। लिख लिया, यानी कि बाइनोमियल सिस्टम में मतलब द्विनाम पद्धति में सर पहला वर्ड जो होता है वो क्या होता है, वंश होता है, जीनस होता है, और दूसरा वर्ड जो होता है वो स्पीसीज होता है यानी कि प्रजाति होता है। ठीक है,
चलिए अब लिखेंगे। अच्छा, अब तीसरे नंबर रूल में आता है, दूसरा रूल हो गया सर। पहला रूल ये होगा कि द्वि नाम पद्धति में जितना भी वैज्ञानिक नाम है ना, सब में कितना वर्ड होगा, दो गो वर्ड होगा, तभी तो द्वि नाम पद्धति कह रहे हैं। अच्छा सर, अब दो नामों में पहला नाम जो होगा ना, दो गो शब्द जो है उसमें पहला नाम जो होगा, पहला शब्द जो होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पहले शब्द को वंश जीनस, और दूसरे शब्द को क्या कहते हैं, प्रजाति। अब तीसरा रूल में आते हैं कि सर फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस शुड बी इन कैपिटल लेटर, यानी पहला शब्द जो है यानी वंश का जो पहला शब्द है ये बड़े अक्षर में होना चाहिए, और प्रजाति का जो पहला शब्द है ये छोटे अक्षर में होना चाहिए। प्रजाति का पहला शब्द वर्ड जो है, प्रजाति का पहला लेटर अक्षर, शब्द नहीं लेटर, यानी अक्षर जो है एस, ये सॉरी यहाँ प्रजाति का, जैसे इंडिका लिखे है ना, इसमें होमोसेपियंस में एस देख रहे हैं छोटा है, एच कैपिटल है, आप लोग भी वैसे ही लिखे हैं ना, नहीं तो अपने हिसाब से नहीं ना लिख दिए हैं तो गलत हो जाएगा। पहला वर्ड कैपिटल में, इसका स्पीसीज का पहला वर्ड स्मॉल में लिखा जाता है, छोटे अक्षर में लिखा जाता है। लिखेंगे रूल नंबर थ्री, देखिए फर्स्ट लेटर लेटर ऑफ जीनस शुड बी, फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस शुड बी कैपिटल कैपिटल एंड एंड फर्स्ट लेटर ऑफ लेटर ऑफ स्पीसी शुड बी स्मॉल, नहीं बाबू फर्स्ट होगा, देखिए ना प्रजाति का पहला अक्षर अब वंश का पहला अक्षर हम बता रहे हैं, इसमें एग्जाम्पल से समझा के सारा चीज आपको बताएंगे, एकदम क्लियर रहेगा, घबराना नहीं है। फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस शुड बी कैपिटल लेटर, यानी कि वंश का पहला, वंश का पहला अक्षर, पहला अक्षर वंश का पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए, शुड है होना चाहिए, तथा प्रजाति का पहला अक्षर, तथा प्रजाति का पहला, तथा प्रजाति का पहला अक्षर कैसा होना चाहिए जी, छोटा होना चाहिए। अब आया समझ में, यानी वंश का पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए तथा प्रजाति का पहला अक्षर छोटा होना चाहिए। जैसे में अब हम लोग लिखेंगे कैसे, जैसे हम बोल सकते हैं वंश का पहला लेटर, जैसे होमो सेपियंस जो आप लिख रहे हैं, होमो सेपियंस, अच्छा है आप जो मैंगीफेरा मैंगीफेरा इंडिका जो लिख रहे हैं, आम का वैज्ञानिक नाम, उसमें आप देखे हैं पहला लेटर कैसे लिखा गया, पहले उतार लीजिए सब लोग, फिर समझा रहे हैं हम इसको, उतारिए जल्दी से। एस एस है, छोटा एस लिखना होगा ना जी, स्मॉल एस लिखना पड़ेगा ना वहां आपको, इसीलिए हो जाएगा। चलिए अब देखिएगा बाबू, होमो सेपियंस है, होमो का एच, होमो क्या है वंश है, हम आपको क्या बोले हैं, वंश का पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए, कैपिटल लेटर में होना चाहिए, ठीक है, तो कैपिटल में है सर, ये वंश का पहला अक्षर कैपिटल बड़ा होना चाहिए, और सर ये प्रजाति है तो प्रजाति का पहला लेटर, प्रजाति का पहला लेटर स्मॉल होना चाहिए, यानी छोटा होना चाहिए, इसको एंड बने ना, समझ रहे हैं आप लोग,
ये छोट का एस लिखे हैं भाई, तब तो सेपियंस हुआ है, हो जाएगा। बस ऐसे एरो देकर खींच के लिख लीजिए कि छोटा और बड़ा और छोटा कैसे लिखना है आप लोगों को, ठीक है। इसको वैसे ही खींच के नोट कर लीजिए। उतार लिए, आगे बढ़े। चलिए अब एक टर्म में आते, एक टॉपिक में हम लोग आते हैं। हम क्या बोले हैं भाई, तीन रूल हो गया। पहला रूल में जैविक नामों के दोनों, जैविक नामों में कितने वर्ड शामिल होने चाहिए, दो। अच्छा, दूसरा पॉइंट में क्या लिखवाए हैं सर, जैविक नामों में द्विनाम पद्धति में जो भी द्विनाम पद्धति होता है उसमें पहला वर्ड वंश जीनस और दूसरा वर्ड क्या होना चाहिए, प्रजाति होना चाहिए। तीसरा वर्ड आप, तीसरा पॉइंट आपको क्या लिखवाए हैं कि सर वंश का पहला जो वर्ड है वो बड़े अक्षर में होना चाहिए कैपिटल लेटर में, और जो प्रजाति है यानी स्पीसीज है उसका पहला लेटर यानी पहला अक्षर जो है स्मॉल से शुरू होना चाहिए, ठीक है। बस इतना ही बताएं आपको, आए समझ में, क्लियर है अब। अच्छा, तो वैज्ञानिक नाम लिखिएगा तो ये गड़बड़ी नहीं करिएगा। चलिए चौथा नंबर में आइए, एक पॉइंट है, टोटोनिम्स आर नॉट वैलिड फॉर प्लांट्स। टोटोनिम्स आर नॉट वैलिड फॉर प्लांट्स, यानी पौधों के लिए टोटोनिम मान्य नहीं होता है, ठीक है। टोटोनिम्स आर नॉट वैलिड फॉर प्लांट्स, इट इज ओनली, टोटोनिम्स आर नॉट वैलिड फॉर प्लांट, इट इज ओनली वैलिड फॉर एनिमल्स। क्या बोले हैं आप लोगों को कि टोटोनिम पौधों के लिए मान्य नहीं होता है, यह केवल जंतुओं के लिए मान्य होता है, हो गया। टोटोनिम पौधों के लिए मान्य नहीं होता है, टोटोनिम पौधों के लिए मान्य नहीं होता है, या केवल, यह केवल जंतुओं के लिए, यह केवल जंतुओं के लिए मान्य होता है। क्या बोले हैं, टोटोनिम पौधों के लिए मान्य नहीं होता है, यह केवल जंतुओं के लिए मान्य होता है। तब आपके दिमाग में आएगा सर ये टोटोनिम पर है क्या, क्योंकि जब तक हम लोग यही नहीं समझेंगे टोटोनिम क्या है, किसको कहा जाता है, तब तक हमको यही नहीं समझ में आएगा कि टोटोनिम पौधों के लिए मान्य होता है और जंतुओं के लिए, सॉरी पौधों के लिए मान्य नहीं होता है और जंतुओं के लिए मान्य होता है, यानी प्लांट में टोटोनिम नहीं आता है। भाई बात सबसे पहले हम लोग को समझना है कि टोटोनिम है क्या। तो अब एक छोटा सा पॉइंट देकर टोटोनिम लिखना है हम लोग को, ठीक है। एक चीज ध्यान में रखिएगा, टोटोनिम कहते हैं When name of genus and species both are same, when name of genus and species, ये तो समझ में आ जाएगा ना, and लिखे हैं, when name of genus and species both are same, जब वंश तथा प्रजाति का नाम समान हो तो उसे
क्या बोलेंगे? तो उसे टोटोनिम, कहा जाता है। ऐसे समझ में, टोटोनिम किसको कहा जाता है? अब वो टोटोनिम हम लोग कहेंगे जब वंश तथा प्रजाति का नाम समान हो। क्या बोलिएगा? जब वंश तथा प्रजाति का नाम समान हो तो उसे क्या कहा जाएगा? टोटोनिम कहा जाएगा, बात समझ में आया? जब वंश तथा प्रजाति का नाम समान हो तो उसे क्या कहेंगे? टोटोनिम कहेंगे। जैसे सर एक एग्जाम्पल दीजिए ताकि हम लोग क्लियर हो के कि किस तरह के एग्जाम्पल में, किस तरह के उदाहरण में वंश और प्रजाति का नाम दोनों एक के समान हो जाता है, कैसे होता है। तो वंश और प्रजाति का नाम जैसे मैंगीफेरा इंडिका लिखे हैं तो क्या उसमें वंश और प्रजाति का नाम समान है? ए भाई बताइए हमको, मैंगीफेरा इंडिका जब आप लिखे हैं, मैंगीफेरा इंडिका, तो क्या इसमें वंश और प्रजाति दोनों का नाम एक समान है? सर मैंगीफेरा है नहीं, मैंगीफेरा क्या है? जीनस है, वंश है, आ इंडिका क्या है? स्पीसीज है, तो दोनों एक समान है? कहाँ समान है सर, एगो मैंगीफेरा है, एक दूसरा इंडिका है। हाँ मैंगीफेरा मैंगीफेरा रहता चाहे इंडिका इंडिका रहता तब वंश प्रजाति दोनों का हम बात करते कि क्या है, समान है। यहाँ तो समान ही नहीं है, बात समझ में आया? यहाँ वंश और प्रजाति समान नहीं है। अरे आया समझ में? ऊपर किसी का छूटा नहीं ना है? अब दो मिनट के लिए सबको एकदम बोर्ड के तरफ में देखेंगे, एकदम प्यार से देखिए, पहले बोर्ड पे देखिए, एकदम किसी को भी इधर उधर कुछ नहीं लिखना है, कुछ के जगह पे खाली समझना है। देखिए हम क्या बोल रहे हैं, जैसे कि जब वंश और प्रजाति दोनों का नाम एक समान हो जाए तब उसको क्या बोलते हैं? टोटोनिम कहते हैं। तो वंश और प्रजाति का नाम इसमें समान नहीं है? नहीं है सर। ये किसका वैज्ञानिक नाम है? आम का। आम क्या है, पौधा है कि जंतु है? पौधा है सर। और अभी तो आप बोले हैं कि टोटोनिम पौधों के लिए नहीं होता है, मतलब कोई भी ऐसा पौधा का वैज्ञानिक नाम नहीं मिलेगा जिसमें वंश और प्रजाति दोनों क्या हो जाए, समान हो जाए। तो क्या इसमें समान है? नहीं है। तो ये टोटोनिम है? नहीं है सर। टोटोनिम कहते हैं जैसे, जैसे आप मान लीजिए ये रेटस, रेटस 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 मतलब, बोलिए रेटस रेटस मतलब रेट चूहा, चूहा का वैज्ञानिक नाम होता है रेटस रेटस। अच्छा सर अब समझ में आ गया, मतलब इसमें वंश और प्रजाति यानी सर जीनस और स्पीसीज ये दोनों समान है सर। और जब वंश और प्रजाति दोनों समान हो जाए तब उसको क्या कहा जाएगा? टोटोनिम कहा जाएगा। तो इसीलिए सही आप बोले हैं कि टोटोनिम मतलब कोई भी ऐसा वैज्ञानिक नाम आपको नहीं मिलेगा जिसमें वंश और प्रजाति दोनों समान हो और वो क्या हो? प्लांट हो। बात समझ में आया? प्लांट हो ही नहीं सकता है, वो क्या होगा? एनिमल ही होगा सर। अच्छा जैसे एक और होता है बाबू, हाँ याद आ गया, एक होता है नाजा, नाजा नाजा रे नाजा, ठीक है। तो नाजा नाजा में क्या होता है, किसका वैज्ञानिक नाम है जानते हैं आप लोग, इसको खेलते भी हैं इससे, इंडियन कोबरा, ठीक है ना सर, इसे कौन खेलेगा। इसमें क्या है जी, पहला वाला क्या है जीनस है वंश, और दूसरा क्या है जी स्पीसीज या प्रजाति भारतीय कोबरा, कोबरा इसको अपने भाषा में गहुन नहीं कहते हैं, ये है नाजा नाजा। तो इसमें भी वंश और प्रजाति समान है क्या? है। प्लांट है कि एनिमल है? एनिमल है। तो इसका मतलब सर कोई भी ऐसा पौधा का वैज्ञानिक नाम नहीं मिलेगा जिसमें वंश और प्रजाति क्या हो जाए, एक समान हो जाए, ठीक है। इसका मतलब पौधों के लिए टोटोनिम मान्य नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टोटोनिम किसके लिए मान्य है? जंतुओं के लिए मान्य है। ऊपर छूटा तो नहीं है ना किसी का? लिख लिए, उतार लीजिएगा एग्जाम्पल, उतार लीजिए।
हो गया। आप लोग पता है इतना समय लेते हैं ना लिखने में कि हमको नींद आ जाएगा। बेड उठ का व्यवस्था यहीं पे करते हैं, तब तक आप लोग उतारते रहिएगा, फिर एक नींद मार लेंगे, फिर जगा दीजिएगा सरकारी स्कूल के टीचर के तरह। ठीक है, हो गया। अच्छा, जैविक नाम जो होता है ना, यह प्रायः किस में रहता है? लैटिन में रहता है। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स, याद रखिएगा। नीट के क्वेश्चन में कई बार पूछा भी है इसे, इसे 5-6 क्वेश्चन हम आपको दिखा देंगे जो नीट में पूछा हुआ है इसी से। अब मजा नहीं है नीट वाले का कि इससे बाहर एक क्वेश्चन पूछा हो चाहे पूछेगा, जो टॉपिक पढ़ा दिए वो सिर्फ नीट के, वही नीट के अंदर में होगा, तो नीट उससे बाहर नहीं जा सकता है जितना हम पढ़ा दिए, क्योंकि क्वेश्चन बनाते वक्त मेरा कॉपी लेके जाता है नीट। ठीक है, इसीलिए तो इसलिए ये समझ के आपको ध्यान में रखना है भाई, इसलिए वो लेके जाता है क्योंकि हम पढ़ाते हैं NCERT के बेस्ट, तो इसलिए वो मेरा कॉपी ले जाए तो चाहे NCERT को ले जाए तो बात तो बराबर ही हुआ। ठीक है, इसलिए हम लोग NCERT अगर पढ़ेंगे तो ये 100% गारंटी है कि नीट का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अच्छा तो अब हम लोग क्या लिखेंगे जी, नेक्स्ट पॉइंट, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन क्या, लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स, यानी जैविक नाम प्राय किस में होते हैं, लैटिन में होते हैं और तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है, थोड़ा घुमा के उसको लिखेंगे। अब व्हेन हैंड रिटन, आज जब हाथ से लिखिएगा तो दोनों को अलग अलग अंडरलाइन कर देंगे, बस समझ में आया। जब हाथ से लिखिएगा जैविक नामों को तो दोनों को अलग अलग अंडरलाइन कर देंगे, वंश को और प्रजाति को अलग अलग अंडरलाइन कर देंगे। और जब टाइपिंग मटेरियल होगा, टाइपिंग करवाएंगे, छपाई का अक्षर होगा तो उसको थोड़ा तिरछा कर देंगे, यानी इटैलिक्स में कर देंगे। ठीक है, इटैलिक्स में कर देंगे, बस समझ में आया। अच्छा तो अब लिखेंगे रूल नंबर कितना है, 5। देखिए, बायोलॉजिकल नेम्स आर बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली, यानी जैविक नाम प्राय बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन, लैटिन मत लिख लीजिएगा, लैटिन, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन बट रिटन इन इटैलिक्स, इटैलिक मतलब होता है तिरछे अक्षर में, इटैलिक को हम लोग लिखते कैसे हैं, तिरछे लिखते हैं। जनरली मतलब होता है प्रायः, यानी कि जैविक नाम प्रायः क्या होते हैं, प्रायः लैटिन में होते हैं और इन्हें इटैलिक में लिखा जाता है, लेकिन इटैलिक में लिखा जाता है। इसका मतलब हुआ जैविक नाम, जैविक नाम प्राय, जैविक नाम प्राय लैटिन में होते हैं, कहाँ होते हैं जी, लैटिन में, बोलिए फ्रेश बोलिए, जैविक नाम प्राय लैटिन में होते हैं परंतु लेकिन तिरछे, तिरछे यानी इटैलिक में लिखा जाता है। क्या बोले हम, जैविक नाम किसमें होता है, जैविक नाम प्राय लैटिन में होता है, भूलिएगा नहीं इसको, कोई पूछेगा कहाँ होता है, हाँ मैंने लैटिन में होता है, कौन से वर्ड में रहता है, तो लैटिन में रहता है, अब भूलिएगा नहीं। ठीक है, लैटिन वर्ड से याद आ जाएगा आपको। और लिखते क्या चीज़ में, तिरछा लिखते हैं। ठीक है, होता लैटिन में है और लिखते थोड़ा तिरछा है। चलिए अब इसको जरा हम लोग लिखेंगे, पहले एक बार देखेंगे कैसे,
तो ये इटैलिक में रहेगा, और लिखना थोड़ा तिरछा है। जैसे मान लीजिए कि महंगी फेराइंडी का थोड़ा सा कॉर्सिव कर देना है, थोड़ा तिरछा कर देना है। इस बात का ध्यान रखते हुए कि पहला वर्ड कैपिटल, स्पीसीज का पहला वर्ड स्मॉल, ये बात का ध्यान रखते हुए ना कि अब इसमें नियम भूल जाइएगा, अब किसी भी तरीके से मत लिख दीजिएगा, ठीक है। महंगी फेराई इंडिका तो ये इटैलिक में हो गया, लेकिन ये रहता किस में है, लैटिन में। कई बार नीट क्वेश्चन पूछा है इससे, कई बार इस लाइन से क्वेश्चन आया है। बस ये रूल पूरा कर लिया जाए, 2 पॉइंट और है। हो गया, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखें। चलिए छठे नंबर पॉइंट लिख लेना है। बोथ द बोथ ऐसे लिखिए, हेलो रुक जाइए, लिखना है वैन हैंड रिटन, वैन हैंड रिटन। वैसे भी लिख सकते थे बोथ द वर्ड्स आर अंडरलाइंड वैन हैंड रिटन, ऐसे भी हो सकता था। लिखिए व्हेन हैंड रिटन, हैंड रिटन मतलब हस्तलेख, यानी हाथों से लिखते वक्त। अब लिख लीजिए, अब सही, अब नहीं काटना होगा। व्हेन हैंड रिटन बोथ द वर्ड्स आर, बोथ द वर्ड्स यानी दोनों शब्दों को, बोथ द वर्ड्स आर अंडरलाइंड सेपरेटली, सेपरेटली अलग अलग, सेपरेट सेपरेटली, ठीक है। अंडरलाइन सेपरेटली मतलब अलग अलग अंडरलाइन करते हैं। एंड देखिए व्हेन हैंड रिटन, जब हाथ से लिखेंगे, व्हेन हैंड रिटन बोथ द वर्ड्स आर अंडरलाइन सेपरेटली सेपरेटली, बट टाइपिंग मटेरियल, लेकिन जब टाइप करिएगा, बट टाइपिंग मटेरियल्स, बट टाइपिंग मटेरियल्स आर इन क्या, इटैलिक्स। जब हाथ से लिखेंगे तो हाथ से लिखते वक्त दोनों ही शब्दों को अलग अलग अंडरलाइन कर दिया जाता है, अलग अलग अंडरलाइन कर दिया जाता है, लेकिन छपाई के अक्षरों को इटैलिक में लिखा जाता है। बट टाइपिंग मटेरियल आर इन इटैलिक्स, टाइपिंग मटेरियल को यानी कि छपाई के अक्षरों को किस में लिखेंगे, इटैलिक में लिखा जाएगा। लिख लिया, लिख लेंगे जब जब हाथ से लिखा जाता है तो, जब हाथ से लिखा जाता है तो दोनों ही जैविक नामों को, जब हाथ से लिखा जाता है तो, जब हाथ से लिखा जाता है तो दोनों ही जैविक नामों को, जब हाथ से लिखा जाता है तो दोनों ही जैविक नामों को अलग अलग, दोनों ही जैविक नामों को अलग अलग अंडरलाइन किया जाता है, तो दोनों ही जैविक नामों को अलग अलग अंडरलाइन किया जाता है, अलग अलग अंडरलाइन यानी कि आरेखित किया जाता है, वही हुआ, दोनों ही शब्दों को अलग अलग आरेखित किया जाता है या अंडरलाइन किया जाता है, लेकिन 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 छपाई के अक्षर को, टाइपिंग मतलब होता है छपाई, लेकिन छपाई के अक्षरों को तिरछे लिखा जाता है।
लेकिन छपाई के अक्षरों को तिरछे लिखा जाता है, ठीक है, लेकिन छपाई के अक्षरों को तिरछे लिखा जाता है। जैसे मैंगीफेरा इंडिका, इसको हम हाथ से लिखे हैं, आम का वैज्ञानिक नाम, तो दोनों को अलग अलग क्या किए, दोनों को अलग अलग क्या कर देंगे जी, सर अंडरलाइन कर देंगे, देख रहे हैं ये क्या किए हैं, अंडरलाइन किया गया, अंडरलाइन किए हैं। अब सेपरेटली अलग अलग एक एक लाइन में मत खींच दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, अलग अलग अंडरलाइन करना है, ठीक है, अंडरलाइन कर दिया, नहीं आरेखित कर दिए। अच्छा भाई दो लाइन में हटा दे रहे हैं, तो आप लोग भी दो और नीचे खींचिएगा, सोचिएगा दो और नीचे लिखते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं अगर इसका टाइपिंग आप करिएगा, टाइप अगर करिएगा, ये हो गया हैंड रिटन यानी हस्तलेख, ठीक है, हैंड रिटन, हैंड रिटन का हिंदी नहीं लिखेंगे तो समझ जाइएगा, हस्तलेख हाथ से लिखते समय। अच्छा टाइपिंग मटेरियल जब टाइप कराइएगा तो इसी को थोड़ा आपको तिरछा करना होगा, महंगी फिर है इंडिका, ठीक है, ये टाइपिंग मटेरियल हो गया, थोड़ा कम यहाँ तिरछा हुआ होगा, आप लोग अपने से देख लीजिएगा टाइपिंग मटेरियल, तो टाइपिंग खाली लिख लीजिए, छपाई के समय थोड़ा तिरछा लिखना है, पर ये ख्याल रखते हुए पहला लेटर कैपिटल, दूसरा लेटर स्मॉल, मैंने पहला वर्ड का पहला लेटर कैपिटल और दूसरे वर्ड का पहला लेटर स्मॉल, ठीक है। अच्छा अगर आप वैज्ञानिक के अनुसार लिखेगा, सातवां नंबर रूल है ना, अकॉर्डिंग टू, सीधे हम लिख दे रहे हैं, इसमें ज्यादा लैंग्वेज हम लोग नहीं लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू टू देयर साइंटिस्ट, अकॉर्डिंग टू टू द अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट नेम, साइंटिस्ट नेम यानी वैज्ञानिक नाम, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट नेम यानी वैज्ञानिक के नाम के अनुसार, साइंटिस्ट नेम अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक के नाम के अनुसार, बस इसमें ज़्यादा हम लोग लैंग्वेज नहीं दिखेंगे, सीधे हम बता देते हैं एक शब्द में, याद रखिएगा वैज्ञानिक के नाम के अनुसार, वैज्ञानिक के नाम के अनुसार अगर आपको लिखना होगा तो कैसे लिखिएगा, वैज्ञानिक के नाम के अनुसार, जैसे मान लीजिए कि और बोर्ड पे एक मिनट के लिए बस आप लोग को देख लेना है, आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, मैंगीफेरा, मैंगीफेरा इंडिका, बोलिए नहीं रहे जी, मुंह सूख गया बेचारा सबका, ओहो, आम का वैज्ञानिक नाम क्या हुआ, मैंगीफेरा इंडिका, बस इतना लिख दीजिएगा। उसके बाद अगर पूछ दिया कि इनके साइंटिस्ट के नाम के अनुसार बताना है, साइंटिस्ट का नाम मतलब हो गया कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी, डिस्कवरी किसने की थी यानी खोजा था किसने, इसके नामों को किसने दिया था जी, तो सर जितना भी द्विनाम पद्धति है, चाहे आम बोलिए तो, चाहे बैगन बोलिए तो, चाहे मान लीजिए आलू बोलिए तो, सबके वैज्ञानिक नाम को दो शब्द से होता है, जैसे सोलेनम मेलोंजिना, ये हो गया क्या, ब्रिंजल का वैज्ञानिक नाम सोलेनम मेलोंजिना। अच्छा आप आलू का सोलेनम ट्यूबरोसम, ये आलू का वैज्ञानिक नाम हो गया। तो जितना भी वैज्ञानिक नाम जिसमें दो गो शब्द हो, गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम, मस्का डोमेस्टिका, घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम मस्का डोमेस्टिका, ये बस समझ में आया, गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम। तो जितना भी वैज्ञानिक नाम आप देख रहे हैं, सब में दो गो वर्ड है, और जिसमें भी दो गो वर्ड शामिल होगा, दो गो शब्द शामिल होगा, सबके फादर कौन है, कैरोलस लिनियस। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, अगर वैज्ञानिक के नाम के अनुसार यानी जिसने उसकी खोज की है उसके नाम के अनुसार बताइए जीवों के वैज्ञानिक नाम यानी जैविक नाम, तब उस समय में जैसे जैविक नाम आम का क्या हो गया, मैंगीफेरा इंडिका, लास्ट में LINN लगा दीजिएगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं, ये बात ध्यान में रखना है, LINN, ठीक है। सर अगर हम मान लीजिए मेरा मन किया कि नहीं मैंगीफेरा, हम लिख दिए अगर मैंगीफेरा, मैंगीफेरा इंडिका, और कैरोलस, कैरोलस
लिनियस लिख दिए तो सही नहीं होगा, पूरा नाम तो बताएं सर, इतना बढ़िया से स्पष्ट रूप से बताएं तो नहीं गलत हो जाएगा। सर अगर मेरा मन है कि लिनियस पूरा नाम में लिखे तो गलत हो जाएगा, सिर्फ एल आई डबल एन डॉट रहेगा। जैसे अगर कोई पूछ दिया मान लीजिए मनुष्य का वैज्ञानिक नाम बताइए, और उसके उसके वैज्ञानिक नामों को खोज करने वाले का भी नाम के अनुसार बताना है तो होमो सैपियंस एल आई डबल एन डॉट। बस समझ में आ गया, नीट का क्वेश्चन है, इसको बना के आना है आप लोग को, इसके अकॉर्डिंग जितना भी नीट का क्वेश्चन है वो सब बना के आना है आप लोग को, सबका सब क्वेश्चन बन जाएगा, एकदम गारंटी है, ठोकुआ गारंटी, सबका सब क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कोई भी क्वेश्चन जो आपसे नहीं बने, बात समझ में आया। तो इसलिए घर से एक बार बना के आइएगा, आइएगा ना कल, हाँ कल बना के आइएगा, कल हम चेक करेंगे एक बार। नीट का क्वेश्चन बैंक कितने लोग खरीद लिए हैं? बाप रे, बीमारी कैसे ठीक होगा जी, दवा आप लोग लेवे नहीं किए हैं, डॉक्टर के पास घूम रहे हैं खाली। सप्लीमेंट्री है एगो बुक, नीट का क्वेश्चन बैंक ले लीजिएगा, नीट का क्वेश्चन बैंक, इसको रात को सोने से पहले या सुबह जगने के बाद लेना है, दो टाइम, ठीक है। एगो एनसीईआरटी, इसको सोने के बाद भी पढ़ सकते हैं, इसको सोने के बाद भी लिया जा सकता है, लेकिन काहे काहे कि इसको हम बैच में पढ़ाते हैं, लेकिन घर पे जब जाइए तो इसका भी रिवीजन करना है अपने से, लाइन बाय लाइन देखना है कि कोई टॉपिक सॉर तो छोड़े नहीं है ना। नीट का क्वेश्चन बैंक 37 ईयर का आ गया है मार्केट में, जीके मिश्रा नाम रखिएगा, जहाँ लेने जाइएगा कुछ पैसा कम हो जाएगा, हाँ वही है, ठीक है। अच्छा ये आप एमटीजी पब्लिकेशन का भी ले सकते हैं, एमटीजी पब्लिकेशन का, चाहे आप दिशा पब्लिकेशन का ले सकते हैं, चाहे आप अरिहंत का ले सकते हैं, क्योंकि हमको कोई पैसा नहीं देता है इसलिए हम सबका नाम लेते हैं, कोई पैसा देने लगेगा तो एक आदमी का नाम लेंगे, ठीक है। तो एमटीजी पब्लिकेशन का भी ले सकते हैं, दिशा का भी ले सकते हैं, अरिहंत का भी ले सकते हैं। तो ये मत सोचिए कि सर कन्फ्यूज हो रहे हैं हम लोग, कौन लें ये बताइए भाई। बुक क्वेश्चन जो नीट में पूछा है वो थोड़े अलग अलग आएगा, बुक पब्लिकेशन कोई भी हो क्वेश्चन में तो अंदर एक ही रहेगा ना। अब मान लीजिए कि इस बार आपका ब्लड ग्रुप वाला क्वेश्चन आया हुआ था, नीट का आया था ना, नीट का एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया था इस बार वाला ब्लड ग्रुप का, तो ऐसा थोड़ी हो सकता है कि किसी बुक में बदल जाए, क्वेश्चन वही रहेगा भाई, सब एक ही है, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, बुक ले लेंगे सब लोग, ओके थैंक यू। कुछ कुछ